देहरादून में ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ रही है, जो पुलिस और आरटीओ विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर देहरादून में ई रिक्शा गाड़ियां भी धड़ल्ले से शहर के बीचों बीच चल रही हैं, जिससे जाम की समस्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि ई रिक्शा संचालकों को शहर के ग्रामीण इलाकों में चलने का परमिट दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वह शहर की सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे जाम की समस्या ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि अब आरटीओ विभाग की ओर से ई रिक्शा संचालकों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इसके संदर्भ में इन्फोर्समेंट टीम्स को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि ऐसे क्षेत्र जिनको पुलिस ने ई रिक्शा को चलने के लिए वर्जित किया हुआ है, वहाँ पर प्रतिदिन एक चक्कर लगाया जाए, और कोई भी अगर ई रिक्शा उसका उल्लंघन करता हुआ पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त की कार्रवाई करी जा रही है। उसी के क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरिद्वार में जैसे ये समस्या आई थी तो वहाँ 35 से ज़्यादा ई रिक्शा सीज कर दिए गए, ऐसे ही 15 से 20 ई रिक्शा हमने देहरादून में सीज किए हैं। हमारा ये अभियान चलता है और इसके संदर्भ में हर एआरटीओ को बड़ा क्लियर निर्देश है कि उनके क्षेत्र में कहीं पर भी अगर ई रिक्शा न्यूसेंस क्रिएट करते हुए पाए जाएं या नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएं, उनको सीज करने की कार्रवाई की जाए।